नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की मुख्य परीक्षा के लिए 26 मई तक कर सकते हैं आवेदन। पुलिस कर्मियों को अब देना होगा पल पल का रिपोर्ट। हर एक बात करनी होगी रजिस्टर में नोट। किसानों को सरकार की तरफ से मिली सौगात, प्रति बोरी DAP खाद पर बढ़ाई गई सब्सिडी। लाउडस्पीकर विवाद पर मुख्यमंत्री ने दिया दो टूक जवाब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की मुख्य परीक्षा के लिए 26 मई तक कर सकते हैं आवेदन। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 29 अगस्त 2021 में संपन्न हुई प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मालूम हो कि 2020 में BPSC ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर परीक्षा सेवा की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी, जो कि 373 पदों के लिए थी। आवेदन करने की तारीख 4 मई से शुरू होने वाली है, जिसकी अंतिम तारीख 26 मई 2022 तक है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उम्मीदवार हार्ड कॉपी को डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा 8 जून 2022 को शाम 5 बजे तक संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 801 को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट का हुआ उद्घाटन। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। आज पूर्णिया जिला पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के केगनर प्रखंड स्थित गणेशपुर में स्थापित बिहार के प्रथम इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट को सीमांचल के मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए ललायत इस इलाके में बिहार का प्रथम इथेनॉल संयंत्र लगने से अभी से लोगों की उम्मीदों को पंख लगने लगे हैं। हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी उम्मीद इससे जुड़ी है। खासकर यहाँ के निवासी यहाँ पर अपनी संभावना देख रहे हैं। इस प्लांट के लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलने की संभावना भी अब बढ़ गई है। बिहार के 8067 पंचायत भवनों में बहाल होंगे सफाईकर्मी। बिहार के पंचायत भवनों की सुरक्षा और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिहार के 8067 पंचायत भवनों में गार्ड और सफाईकर्मियों की बहाली का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवनों में सफाईकर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि भवन और उसमें रखे सामानों की रक्षा हो सके, साथ ही भवन की साफ सफाई नियमित रूप से होती रहे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और इनकी नियुक्ति संविदा पर की जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गार्ड और सफाई कर्मियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 जिलों में बारिश का अलर्ट, वहीं 7 जिले अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में। आखिरकार अब बिहार वासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि गया और औरंगाबाद सहित 7 जिलों में अभी भी प्रचंड गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा को छोड़कर राज्य के 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि 3 मई तक धूल भरी हवा और बारिश की संभावना है। पुलिसकर्मियों को अब देना होगा पल पल का रिपोर्ट। हर एक बात करनी होगी रजिस्टर में नोट। बिहार में पुलिसकर्मियों की लापरवाही की खबरें भी बहुत आती है। यहां तक कि बिहार की पुलिस कभी भी किसी भी घटनास्थल पर समय से नहीं पहुंचने के लिए बदनाम है। ऐसे में अब इन पुलिसकर्मियों की नहीं चलेगी, अब इनकी लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि अब इन पुलिसकर्मियों को पल पल की रिपोर्ट देनी होगी। थाने से गश्ती वाहन कब निकला, पदाधिकारी गश्ती के दौरान किन जगहों पर पहुंचे, गश्ती के दौरान क्या किया और कब थाना लौटे, सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी गश्ती पदाधिकारी को देना होगा। यही नहीं, गश्ती वाहन में एक रजिस्टर भी रखना होगा और उसमें गश्ती के दौरान की पूरी जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज करना होगा। किसी आपराधिक घटना की जानकारी मिलने की कितनी देर बाद गश्ती वाहन घटनास्थल पर पहुंचता है, ये भी पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर किसी घटनास्थल पर पहुंचने में देर हुई तो उसका कारण भी बताना होगा। किसानों को सरकार की तरफ से मिली स्वागत, प्रति बोरी DAP खाद पर बढ़ाई गई सब्सिडी। राज्य में DAP उर्वरक के दाम में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इससे परे केंद्र सरकार ने किसानों को इससे राहत और बड़ी खुशखबरी दी है। DAP उर्वरक के दाम में वृद्धि होने के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों को मूल्य वृद्धि के बोझ से बचाने और पुराने दाम पर ही खाद उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी पर आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। और अब इसके बाद से सरकार खाद सब्सिडी पर 21,000 करोड़ की जगह 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आसान शब्दों में समझा जाए तो DAP खाद पर सब्सिडी प्रति बोरा 1650 से बढ़कर 2501 रुपए हो गया है। वहीं सुशील मोदी ने इसके लिए केंद्र सरकार को आभार भी व्यक्त किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद की महंगाई के बोझ से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है।
बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे विज्ञान प्रयोगशाला। राज्यभर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना से बच्चे नजदीक से विज्ञान के क्रियाकलापों को समझ पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की तरफ से राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। MOU के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्य के लिए 7,96,49,000 रूपए की स्वीकृति दी गई है। MOU के तहत 50 चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भौतिकी रसायन विज्ञान के प्रयोग को करने के लिए IIT के प्राध्यापक सहयोग करेंगे। PAR नहीं भरने वाले BEd कॉलेज पर NCTE ने कसा शिकंजा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी कॉलेज की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट PAR भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले BEd कॉलेज को नामांकन उसमें संभव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि NCTE की तरफ से इससे पहले से ही देश के सभी BEd कॉलेज को PAR भरने का निर्देश दिया था और इसका पालन BEd कॉलेज नहीं कर रहे थे। इसके खिलाफ BEd कॉलेज कोर्ट में चले गया और लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला NCTE के पक्ष में दिया और अब हर हाल में कॉलेजों को अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। वहीं अब NCTE ने उन BEd कॉलेज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन ट्रेनिंग कॉलेज ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भरा है। उन कॉलेजों के नाम काउंसलिंग के सत्र 2022-23 में नहीं जोड़े जाएंगे। जीविका दीदियों की वार्षिक आय में वृद्धि को लेकर मिल सकती है खुशखबरी। बिहार की जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार की प्रगति से बेहद खुश है। बीते दिन पटना में वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण मनरेगा आजीविका मिशन आदि केंद्र की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर काम किया है। इसमें जीविका दीदियों ने बड़ी मेहनत की है। अब जीविका दीदियों की आय में वृद्धि करने की जरूरत है। कोशिश है कि जीविका दीदियों की वार्षिक आय 1,00,000 रूपए हो। इसके लिए साधन संसाधन और योजनाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 89,00,000 परिवार को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लोगों को 5,00,000 रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए इन्हें पहचान पत्र जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड दिया जाता है उसी प्रकार इसमें भी पहचान पत्र दिया जाएगा। कार्ड के लिए आधार पंजीयन आवश्यक होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अनुसार योजना के तहत निर्धारित पात्रता में राज्य की इस योजना में वैसे परिवार आएंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं और ये वैसे लोग हैं जो कि आयुष्मान के दायरे में नहीं आते हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान से वंचित परिवार के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में बिहार में 89,00,000 परिवार आने वाले हैं। डिजिटल स्वास्थ्य योजना से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। 702 डेंटल हाइजीनिस्ट की होगी बहाली। स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू कराए जाने की बात कही है। इस योजना से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आमजनों तक सुलभ करने में सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटल तकनीक के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में 702 डेंटल हाइजीनिस्ट की बहाली भी होने वाली है। इन्हें सदर, अनुमंडल, रेफरल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि काफी तेजी से देश दुनिया के साथ साथ बिहार के लोग भी डिजिटल होते जा रहे हैं। इस कड़ी में यह योजना लोगों को काफी सुविधा पहुंचाएगी। रिकॉर्ड तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित करने के बाद केंद्रीय मंत्री अब करेंगे आभार यात्रा। मालूम हो कि स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बिहार ने रिकॉर्ड तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा है कि हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया है और अब इसके बाद हम लोग बिहार में आभार यात्रा करेंगे। इससे पहले जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो जमुई की धरती पर ही पहली बैठक किए थे जो कि 2 बजे रात तक चली थी। इस बार हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर आभार यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस आभार यात्रा की शुरुआत मान ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि वो अपने प्रदेश के बेहतरी के लिए स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। लाउडस्पीकर विवाद पर मुख्यमंत्री ने दिया 2 टूक जवाब। देश के कई राज्यों के साथ साथ बिहार में भी लाउडस्पीकर पर विवाद शुरू है। इस विषय पर लोगों का खेमा बट गया है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी इस मुद्दे को लेकर तोड़ी है और लाउडस्पीकर विवाद पर अपनी बात कही है। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर छिड़े विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने और उनके उपयोग पर रोक लगाने की बात फालतू है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में धार्मिक स्थल और लाउडस्पीकर की सियासत से खुद को दूर रखते हैं।
चौथी लहर की आहट के बीच कोरोना से गई एक व्यक्ति की जान। देश सहित बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना मरीजों के जो मामले राज्य में आ रहे हैं उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी बीच राजधानी पटना में एक कोरोना मरीज की जान जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोरोना मरीज अर्जुन प्रसाद पटना के एक निजी अस्पताल में बीते 5 दिनों से भर्ती थे और उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन था। अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी जान चली गई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य टीम भी अलर्ट मोड पर है। पिछले 24 घंटे में जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार अगर देश भर की अगर हम बात करें तो यहाँ 3688 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बाल बाल बचे गौतम गंभीर। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि इस कार में बैठे कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुए। इस कार में टीम के सीईओ रघु अय्यर के अलावा टीम के मेंटोर गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा और रचिता बेरी भी सवार थी। हालांकि यह हादसा बड़ा नहीं था और कार में सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए हैं। लखनऊ की टीम इस सीजन में पहली बार आईपीएल का हिस्सा बनी और अब तक शानदार खेल दिखाया है। वहीं कप्तान केएल राहुल अब तक इस सीजन में 2 शतक लगा चुके हैं। राहुल 9 पारियों में 374 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका औसत 53.43 और स्ट्राइक रेट 143.85 का रहा। टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीते दिन खेले गए पंजाब के खिलाफ 42वें मुकाबले में टीम ने 20 रनों से जीत दर्ज की थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शंकर मुखिया, महेश दास, दिनेश कुमार मंटू, रंजीत मिश्रा, ध्रुव कुमार, गोपाल कुमार, मीना कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के लोगों को रोजगार देने में कितना मददगार साबित होगा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।